देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं से लेकर किसानों कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें केंद्र कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाने, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने, जूट पर एमएसपी, एआई मिशन और पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया गया। 1 जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ डीए लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 40% से बढ़कर 50% हुआ। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री का महिलाओं को बड़ा तोहफा, एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट, पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को बढ़ाने का भी लिया गया फैसला। लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी 1 साल और मिलेगी। कच्चे जूट के एमएसपी को बढ़ाने का भी लिया गया फैसला। कच्चे जूट का एमएसपी 285 रुपए से बढ़ाकर 5,335 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इस तोहफे के बाद प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का फैसला किया। इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा। रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। वहीं प्रधानमंत्री की ओर से लिए गए बड़े फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट हरियाणा की हमारी मातृ शक्तियों को भी निश्चित रूप से लाभान्वित करेगी और परिवार का आर्थिक बोझ भी कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति की ओर से आपके इस निर्णय के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कैबिनेट के बड़े फैसलों के बाद ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार सौगात की बयान लगा रही है। प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में पहुंच रहे हैं, उस मंच से वहां की आवाम के नाम कुछ न कुछ तोहफा दे रहे हैं। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में क्या आवाम पीएम मोदी की सत्ता वापसी करवा कर रिटर्न गिफ्ट देने का काम करेगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।